अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका YouTube चैनल है और अगर आप YouTube चैनल बनाने के बाद उसका क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो कि एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जब अपने चैनल के मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर आएंगे, जैसे ये डॉलर का साइंस बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। इसका मतलब ये है कि अगर आपने YouTube से पैसे बनाने हैं तो आपको इसके अंदर एडसेंस का अकाउंट अटैच करना है, जिसके थ्रू आपको पैसे मिलेंगे। तो जो स्टेप 1 है वो है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम। यू आर ऑन योर वे टू बिकम अ यूट्यूब पार्टनर, यू हैव एक्सेप्टेड द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। जब स्टेप 1 पे डन लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि यूट्यूब ने आपके चैनल को अप्रूव कर दिया कि आप इससे पैसे बना सकते हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलेंगे और उससे आप पैसे बनाएंगे। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में सेटअप गूगल एडसेंस। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर पेमेंट आएगी और उसके अंदर फिर आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे और उसके बाद फिर आपको पेमेंट रिसीव होगी। तीसरा स्टेप है गेट रिव्यूड। यूट्यूब विल रिव्यू योर चैनल टू मेक श्योर इट कंप्लायंस विद द यूट्यूब। अब ये जो स्टेप 3 है ये भी डन हो चुका है इनका, कि भाई आपका जो है वो रिव्यू में चला गया है। जैसे ही आपका एडसेंस जो है वो कनेक्ट होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे इनकम बनाने के लिए। अब एक भाई है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा जो स्टेप 1 है और स्टेप 3 है वो डन हो गया, स्टेप 2 जो है उसमें एरर आ रहा है। एक एरर क्या आ रहा है, सेटअप गूगल एडसेंस अकाउंट। ये एरर क्यों आता है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब आप इसको अटैच करेंगे तो अटैच करने के बाद आपका जो अकाउंट है, पहली बात यह है कि आपके नाम के ऊपर होना चाहिए। कोशिश ये करें, दूसरा अकाउंट भी लग जाता है उससे भी काम हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आ जाती है गूगल की या गूगल एडसेंस की या यूट्यूब की, तो आप फंस सकते हैं। तो कभी भी अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हो या अर्निंग करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका जो ईमेल है, आपका जो नाम है, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, एक अपने ईमेल और अपने नाम के ऊपर एक एडसेंस अकाउंट को बनाना है और उस अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप इसके अंदर इसको लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद जब $10 आप हो जाएंगे आपके यूट्यूब के अंदर, तो यूट्यूब $10 आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर भेजेगा, और एडसेंस अकाउंट के अंदर जब $10 हो जाएंगे तो गूगल एडसेंस आपको एक पिन जनरेट करेगा जो कि आपके घर में भेजेगा। यानी कि जो एड्रेस आप गूगल एडसेंस के अंदर डालेंगे, उस एड्रेस के ऊपर गूगल एडसेंस एक पिन, एक एनवलप भेजेगा। उस एनवलप के अंदर एक कोड होगा, पिन होगा, जो कि आप यहां पर अपने एडसेंस के अंदर डालेंगे तो जाके वो वेरीफाई होगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे स्टेप 2 में इसको कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे, तो ये फ़ौरन ही लिंक हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये एरर तब आता है जब आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर इशू होता है। इस तरह बहुत तरह के इश्यूज आ सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है इस तरह का। ज़्यादातर पिन और एड्रेस वेरिफिकेशन या नाम, या अगर आपने अकाउंट डबल ईमेल पे बना लिया है, दो मरतबा बना लिया है, तो इस तरह के एरर आते हैं। यानी कि आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर कोई ना कोई इशू है, तो ये आता है। तो अगर आपके भी ये इस तरह का कोई इशू हो, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। वीडियो में समझाना या वीडियो में करके दिखाना वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे लोगों के सवाल फिर भी रह जाते हैं माइंड में। तो या तो आप कमेंट करें या मैं नंबर दूंगा, मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस एरर को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।